राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद गुड्डू ने डीजल और पेट्रोल और इसके अलावा भाजी मूली जी जी चीज़ पर महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ काफ़ी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिया धरना प्रदर्शन। साथ ही में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लगाया नारा। और भी इसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपके सामने, आइए देखते हैं उनका मोर्चा किस तरीके से, क्या कामयाबी मिली और प्रांत ऑफिस में उन्होंने लेटर भी दिया। आइए एक झलक मोर्चे की तरफ। साल हुआ उनको सत्ता में आके, उन्होंने आज तक कोई कमिटमेंट पब्लिक से अपना पूरा नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया। गैस भी महंगी हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। महंगाई के ऊपर हम लोगों ने साग सब्जी प्याज कांदा टमाटर सब महंगा हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया है कि इन्होंने जो पब्लिक को वादा किया था ये वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना है, इससे अच्छा तो पान वाला होता है, कम से कम वो लोगों को पूछ के चूना लगाता है। इन्होंने देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री की पद पर रह के यहाँ की आवाम यहाँ की जनता को चूना लगाया है, मगर एक साधारण पनपट्टी वाले को अगर आप पान मांगोगे तो चूना पूछ के लगाता है कि चूना कितना रहेगा। तो ये आवाम ये देश जो है उनको माफ़ नहीं करेगा, यहाँ इस शहर के लोग। और हम ऐसे ही आंदोलन अपना पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में आंदोलन चल रहा है राष्ट्रवादी का और सभी पार्टियों का, ये आंदोलन महंगाई के खिलाफ चलता रहेगा, ऐसा मैं राष्ट्रवादी की तरफ से आपको गवाही देता हूँ। सर आप क्या मानते हो, अच्छे दिन की परिभाषा क्या है अच्छे दिन की? इन्होंने जितने खोखले वादे किए थे, चाहे वो 15 लाख रुपया देने का वादा हो, चाहे उन्होंने GST लगाया, GST के वजह से पूरे देश में जो भुखमरी फैल रही है, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, छोटे छोटे धंधे वाले टूट रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ही बड़ा नुकसान इस देश का है। उन्होंने नोटबंदी किया, उन्होंने काली कमाई बाहर लाना है, मगर ऐसा कोई भी काम फायदे का नहीं है जिससे देश को कोई फायदा हो। उन्होंने सिर्फ देश को बैक फुट पे छोड़ा है, नुकसान किया है। ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनको अगर शर्म है तो ताबड़तोड़ राजीनामा दे देना चाहिए। सर ये बताएंगे कि जिस तरह से देश में GST लागू की गई,